नमस्कार। सागर जिले में हादसों का दौर होली पर्व के बाद भी और पहले भी थमा नहीं था। आज रैली से गमगीन माहौल कर देने वाली खबर आई है जिया। दरअसल रानगिर माँ हरसिद्धि के दर्शन के लिए 3 युवक गए हुए थे, नदी में नहाने गए थे, और जिससे एक युवक जो है रानगिर की देहार नदी में डूब गया और काल के गाल में समा गया। बड़ी दुखद खबर निकल कर आई है। और इस पूरी घटना में ये एक तरह से बात सामने आई है कि लोग जो है त्यौहार पर पिकनिक मनाने जाते हैं या दर्शन करने जाते हैं, सावधानी की कमी की वजह से ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। दरअसल सागर जिले के रहली विकासखंड के ग्राम सेमरा गौड़ में रानगिर नदी में मृतक निशांत पिता राजकुमार पटेल उम्र 19 वर्ष निवासी तेलुखेड़ा जिला नरसिंहपुर का रहने वाला, जो रानगिर माता के दर्शन के लिए आया था, नदी में नहाने गया तो नदी में डूब गया, जहां पर मौके पर ग्रामीणों ने उसे निकाला लेकिन काल के गाल में समा चुका था, सांसें थम चुकी थी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। रहली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां जांच पड़ताल की गई। मृतक की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। मौत की वजह क्या रही है वह अभी हालांकि जांच का विषय पता लगाया जा रहा है, लेकिन डूबने से मौत प्रथम दृष्टया होना बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार रानगिर में देवी मां के दर्शन करने के लिए आया था, जहां नहाते समय डूबने से निशांत की दर्दनाक मौत हुई है। थाना प्रभारी रोहित मिश्रा ने क्या कहा, सुनिए जरा। कैमरा गोड में नहाने गए थे तीनों, उसमें से एक युवक की डूबने से मौत हो गई, मर कायम किया गया, जांच में लिया। बहरहाल त्यौहार हो या त्यौहार के बाद भी हो, हम आप सबसे यही अपील करेंगे, पानी और आग के साथ कभी ना खेले, सावधानी बरतें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें किसी को बख्शती नहीं है, आप कितने भी माहिर क्यों ना हो। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।